इसमें 42 ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ऐसी हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन करा गया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस लिस्ट में एक नाम और ऐड कर दिया है, पीएफआई का। मतलब पीएफआई को ऐड करके अब कुल 43 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं इंडिया में जो प्रतिबंधित हैं। रिसेंटली पीएफआई को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया है। पीएफआई को कई बार एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाया गया था। हालांकि इसमें मेनली पीएफआई को ही बैन करा गया है, लेकिन पीएफआई के साथ और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, इसलिए सरकार द्वारा उन्हें भी बैन किया गया है। हालांकि पीएफआई बहुत पहले से ही सरकार की हिट लिस्ट में थी, लेकिन सरकार की भी एक मजबूरी होती कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन में रह के ही किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है, इसलिए सरकार लगातार पीएफआई के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई थी। इसी साल जुलाई में एनआईए ने पीएफआई के बिहार दफ्तर में छापेमारी करी थी, जहां उन्हें देश विरोधी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे पीएफआई के ठिकाने से। उन डॉक्यूमेंट्स में भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का खुलासा हुआ था, जिसके लिए मुस्लिम यूथ को हथियार चलाने और दंगा फसाद भड़काने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस इंसिडेंट के बाद सरकार ने पीएफआई को बैन करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। पिछले हफ्ते एनआईए ने देश के 15 राज्यों में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करी थी, जहां पीएफआई से जुड़े हुए 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह पीएफआई के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन था, जिसमें एनआईए के साथ ईडी और राज्यों की पुलिस भी शामिल थी। ये पूरी कार्रवाई टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप और जो लोग पीएफआई ज्वाइन करने के लिए लोगों को उकसा रहे थे उनके खिलाफ करी गई थी। छापेमारी के दौरान इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बहुत सारे एंटी नेशनल डॉक्यूमेंट्स जब्त किए थे और बड़ी संख्या में डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद करी गई थी। इस पूरे ऑपरेशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट को पीएफआई के खिलाफ अच्छे खासे सबूत मिल गए थे, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पीएफआई को बैन करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अगर किसी संगठन को गैर कानूनी या आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तो उससे जुड़े हुए सभी एक्टिव मेंबर्स को भी अपराधी मान लिया जाता है और इन सभी के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई होती है। यूएपीए की फुल फॉर्म होती है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए की धारा 35 सरकार को किसी भी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार देती है। किसी भी संगठन को गैर कानूनी आतंकवादी तभी घोषित किया जा सकता है जब केंद्र सरकार को लगता है कि कोई संगठन एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या उसे अंजाम दिया हो या फिर किसी आतंकी घटना की साजिश रच रहा हो या फिर आतंक को बढ़ावा दे रहा हो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाई जाती है तो सरकार उसे बैन करने का अधिकार रखती है। अगर सरकार द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़े हुए लोगों का क्या होता है, ये जानिए। यूएपीए की धारा 38 के तहत अगर कोई व्यक्ति आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है तो उसे 1 से लेकर 10 साल तक की कैद हो सकती है, या फिर कोई इस टाइप के बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करता है तो उसे 14 साल तक की कैद हो सकती है या फिर उसे कोई जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस टाइप के बैंड ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करता है तो उसे 10 साल तक की कैद हो सकती है। ये रूल सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई होता है जो उस बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिव मेंबर्स होते हैं। अगर किसी के द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही क्विट कर दी गई थी तो उन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। देश की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया स्टेप बहुत ही जरूरी था, लेकिन हिजाब, नमाज, मदरसा, मॉब लिंचिंग पे बयान दागने वाले मुस्लिम लीडर्स, लिबरल गैंग्स, लेफ्ट विंग गिरोह, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल इस मुद्दे पे ना कोई स्टेटमेंट देंगे और ना ही सरकार का समर्थन करेंगे। खैर, उनके समर्थन और बयानों से देश को एक रुपये का भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज जरूर है कि उनके चेहरे बेपर्दा हो जाते हैं। आज 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है, उनका इस देश के लिए महान बलिदान व्यर्थ ना चला जाए इसके लिए ऐसे एंटी नेशनल और फ्रिंज एलिमेंट्स को अपनी सोसाइटी से एलिमिनेट करके हम अपने क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।